हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने एक दमदार वर्ल्ड में जो कि है माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और हार्डकोर में पता है कि आपको मतलब एक ही लाइफ होती है, तो बिल्कुल संभल के खेलना होता है। तो अपने को आर्मर चाहिए होता है संभल के खेलने के लिए, तो अपने को आर्मर बनाना है। आज की वीडियो का टारगेट है अपने को आयरन आर्मर कंप्लीट करना है, क्योंकि आयरन आर्मर गोल्ड के आर्मर से ज्यादा मजबूत होता है। तो ये मेरा वर्ल्ड है जो कि शेडर्स में बहुत बढ़िया दिखता है। देखो चांद क्या बढ़िया दिखता है, सूरज क्या बढ़िया दिखता है। और यहाँ पर से नीचे जाए तो अपना घर है जो कि उससे भी बढ़िया दिखता है। हमने केव का एक पूरे पूरे इस्तेमाल कर लिया है हमने, और एक घर बना लिया है। ये बहुत बढ़िया वाला घर है। मैं मिलता हूँ आपको ये शेडर सॉफ्टवेयर की, इसमें थोड़ा सा तो लैग होता है। 2000 years later. तो हमने सारी तैयारी कर ली है और हम निकलने वाले हैं अभी माइनिंग के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन रख लेते हैं और मैंने एक शील्ड बना लिया है, और अपने एक पिकैक्स पेयर में रख लेता हूँ क्योंकि जब टूट जाए तो लगेगा, इसकी हेल्थ ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पे फूड है वो भी ले लेता हूँ क्योंकि फूड की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर से कुछ लेने का सामान तो नहीं है, और कोल ले लेते हैं बस, क्योंकि टॉर्चेस वगैरह बनानी है अपने को। ये कोल ऊपर स्टिक्स नीचे, और यहाँ पे आ गई हमारी टॉर्चेस, 40 टॉर्चेस भाई, मोर देन इनफ है भाई। मतलब ऐसा मतलब बहुत टॉर्चेस हो गया कि केव उजाला उजाला कर दूंगा मैं। तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल तो केव ढूंढनी है, क्योंकि स्ट्रेट माइनिंग नहीं कर सकते हम, रिस्क होता है उसमें सीधा जाने का नीचे। तो मिलते हैं केव ढूंढने के बाद। हुली हुली साजना, धीरे धीरे। तो गाइस हमें बहुत देर से केव मिल नहीं रही, तो हम सीधे नीचे जाते हैं माइनिंग करते हुए। स्ट्रेट माइनिंग थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, और रिस्क है तो इश्क है। तो गाइस नीचे जाते फटाफट से, कितना अवेलेबल मतलब भाई कहाँ गए हम, कहाँ गए? यहाँ पर कुछ है? यहाँ पर तो कुछ है नहीं, और मैं आया कहाँ से था पर? अब भाई ऑक्सीजन खत्म हो रहा, मैं तो मरने से डरता नहीं हूँ। चलो आज मर जाते भाई, हार्डकोर का वर्ल्ड है, कैसे मरे। तो भाई गाइस अपना हार्डकोर का वर्ल्ड यही खत्म हो जाता है, मैं मरने से नहीं डरता। तो बाय। तो मैं वहां पर से कैसे तो बच गया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं माइन करने के लिए। मतलब डोर भी नहीं था, पानी में अटक गया था। मुझे लगा आज तो मैं गया, पर मैं मरने से थोड़ी ना डरता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ है क्या देख रहे थे, हम आए कहाँ से थे वो ही पता नहीं मेरे को। ओ यहाँ से आए थे क्या हम? भाई स्ट्रेट माइनिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है हार्डकोर वर्ल्ड में, जब तक आपके पास कोई अच्छा आर्मर ना हो। तो अपने पे तो है नहीं आर्मर अच्छा वाला। अभी मिलता हूँ 2000 सालों के बाद। ये अपने को केव ढूंढने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने देखा इस वर्ल्ड में कुछ जल्दी नहीं मिल रहा है। विलेज ढूंढने में करीबन मेरे 4 दिन गए माइनक्राफ्ट के गेम वाले दिन, पर 4 दिन तो गए मेरे इधर से उधर भटकता रहा। मिस मिलता हूँ सीधा आपको केव मिलने के बाद। तो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है केव, मैं पानी के सहारे नीचे आ रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना अपने को, अपने पास क्योंकि आर्मर है नहीं, कुछ है नहीं। तो मिलता हूँ आपको सीधा थोड़ा बहुत आयरन माइन करने के बाद। तो मिलते हैं, कितना आयरन होता है एंड में इस वाले केव से, क्योंकि इस वाले केव में अपना काम शायद नहीं होगा, हो गए तो अच्छी बात है। और यहाँ पे होप सो मैं मरूँ ना। मिलते हैं, अभी स्पाइडर की आवाज आई, मैं नहीं जा रहा, जाना तो पड़ेगा। मिलता हूँ आपको सीधा अपना आर्मर बनाने के बाद, मतलब आयरन कलेक्ट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मुझे क्रीपर दिखा ही नहीं ऊपर वाली साइड, तो फट गया। पर आपने को एक भी हार्ट का डैमेज नहीं हुआ, हम तो भाई है ही सुपरमैन, तो आपने को कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि एक क्रीपर मुख के सामने फटा, पर आपने को कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कैसे, पर क्या मान। तो यहाँ पर से करते आयरन में, और मिलते आयरन कलेक्ट होने के बाद।
सीधा बाहर, अभी टाइम पास नहीं कराऊंगा आपको, सीधा मिलते बाहर। 2000 years later. तो हमने ढेर सारा आयरन माइन कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा है हमारे लिए। 14 आयरन हमने माइन कर लिया, 14 आयरन, तो ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन हमारे पास एक स्टैक मतलब 64 और 14 आयरन इंगेट्स है, जो कि हमने लावा बकेट से स्मेल्ट करने के लिए लगा रखे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेंटरी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब सॉल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सारे ओर्स रखेंगे और थोड़े बहुत मतलब कुछ कीमती सामान रखेंगे यहाँ पे, और हमें जब तक ओर माइन हो रहा है तब कुछ काम कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे गो माता मतलब अपनी गाय पालनी है, उससे हमें लेदर मिलेगा, तो हम एन्चेंटिंग टेबल बना पाएंगे और ट्रेड भी कर पाएंगे। और वुल भी चाहिए क्योंकि हमें बेड बनाने है, तो हमें बकरी भी पालनी होगी, मतलब बकरी संभाल के उनकी ब्रीडिंग करके मतलब बहुत कुछ करना होगा उनका। और हमें खेती भी करनी होगी क्योंकि वीट चाहिए उनको, उनको ब्रीड करने के लिए। तो मिलता आपको ये सब चीज़ें सॉर्ट करके। तो गाइस हमने यहाँ पे छोटा सा हमने छोटा सा यहाँ पे फेंस कर दिया है, जिसमें हमारी बकरियाँ कैद रह सकती है। यहाँ पे भी फेंसिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, मतलब ऊंची वाली फेंसिंग। और यहाँ पे हम बकरियाँ रखेंगे, हम गाय भी रखने वाले, तो उन दोनों को सेपरेट रखेंगे क्योंकि उन दोनों में लड़ाई हो जाए तो, इसलिए। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट ये फेंस बना रहा हूँ। मिलता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें बनने के बाद, जो कि है फार्म, वीट फार्म, एक गाय का गोटा, गाय का गोटा, जिसमें गाय का शेल्टर होता है वो, और किसका, और खेती बनानी है, उसके लिए भी फेंसिंग, बहुत सारी वुड लगने वाली है। तो मिलता आपको ये तीनों चीज़ें होने के बाद। तो गाइस अपना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फार्म वगैरह। यहाँ पर से आयरन ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपना आर्मर बनाना है अपने, क्योंकि पहले हेलमेट आएगा और चेस्ट प्लेट आएगी, और यहाँ पे आएगी लेगिंग्स, और फाइनल में आएंगे, जो कि अपना आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका है, जो कि अपने ऑलमोस्ट एंड 8 आर्मर कंप्लीट कर देता है। आर्मर के बाहर होता है वो कंप्लीट कर देता है, और हमारा गोल्ड का आर्मर सिर्फ 4 करता है तीनों चीज़ें पहनने के बाद। तो ये यहाँ पे रख देते हैं आर्मर, नहीं आर्मर खेती के इसमें नहीं रखता, टूल्स वाला नीचे है। तो हमारा आज का गोल कंप्लीट हो चुका है मेन। तो इस वीडियो पे 5 लाइक कर दो, तो हम अगले वीडियो में कुछ तो तगड़ा करेंगे, सोचा नहीं कुछ तो तगड़ा करेंगे। और हमने जो गाय का गोटा वगैरह सब कुछ बना लिया है, वो भी मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो पे 5 लाइक कर दो, और जो भी चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो का लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।